नमस्कार दोस्तों, 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है जीटीएल इंफ्रा में। 5.5% तक की गिरावट। भाई सर्किट नहीं था क्या इसका? 5% 5% का सर्किट था, लेकिन यहाँ पे मनी देखिए, ये पेटीएम मनी 5.5% की गिरावट शो कर रहा है। तो चलिए ठीक है, आज 5% की इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है। और मार्केट जो क्लोज किया है वो 2 रुपये 30 पैसे पे क्लोज किया। हाई लगाया था 2 रुपये 44 पैसे तक का, लो लगाया था 2 रुपये 28 पैसे तक का, जो आज का लोअर सर्किट था। तो मतलब एक टाइम के लिए इसने अपना लोअर सर्किट भी आज टच किया था। मतलब देखिए गिरावट इसमें क्यों हो रही है, गिरावट और कितनी होगी इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई एक तो पैनी स्टॉक, एक तो फंडामेंटल वैसे ही खराब, दूसरे SM की लिस्ट में शामिल, तो मैं आपको बोला था कि अगर ASM की लिस्ट से बाहर आ जाता है बहुत जल्द, हालांकि 2 अक्टूबर मैंने डेट रखा है, अब 2 अक्टूबर के पहले पहले ही लगता है हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देगा, लेकिन ठीक है अभी देखेंगे। देखिए आज बड़ी गिरावट हुई है, 4.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। आज बड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। बड़ा वॉल्यूम का मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 13 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। 13 करोड़, 13 करोड़ इसमें वॉल्यूम देखने के लिए हम लोगों को मिला है, जो कि अगर ट्रेड वैल्यू देखेंगे हम लोग यहाँ पे 30 करोड़ रुपए देखने के लिए मिल रहा है। 30 करोड़ रुपए के 13 करोड़ शेयर ट्रेड में। डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक है, 43% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। न्यूज कोई नहीं है, न्यूज कोई नहीं है, फ्लैट ओपनिंग दिया था, उसके बाद गिरावट आई, पूरे दिन साइडवेज किया था, लास्ट के टाइम में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हम लोगों को और देखने के लिए मिल गई, और इसी वजह से जो ये जो है चला गया। वहीं बात करेंगे तो मतलब लोअर सर्किट टच करके 4% की गिरावट के साथ। अब देखिए इसमें आज बड़ी बड़ी लार्ज डील हुई है, 164 नंबर ऑफ लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिखी है। ओपन करके देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, 21 लाख, 32 लाख, 50 लाख, 22 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 55 लाख, इस तरह से जो है कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोग को दिख रही है। हालांकि मनी कंट्रोल वेबसाइट थोड़ी सी जो है अभी दिक्कत में चल रही है, सही अब डाटा अपडेट नहीं कर रही है। मैं कल एक वीडियो बनाया था, इसमें बोला था 7 रुपये तक का टारगेट है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएंगे आप लोग। एक तो पहनी स्टॉक, दूसरे निगेटिव सेंटिमेंट इसका बना हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो मैं एक ऊपर 2 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस बताया था, जो ये लाइन ड्रॉ करके बताया था आप लोगों को याद होगा ये वाली लाइन, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, तभी मैं बोल दिया था कि एक बार हो सकता है कि ये जो है अब 2 रुपये 20 पैसे को टच करने के लिए जाए, क्योंकि पैटर्न यहाँ से इसी तरह से सेम बन रहा था। यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे करके पैटर्न जो है यहाँ से सेम इसी तरह से बन रहा था कि इस तरह से यहाँ पे 2 रुपये 20 पैसे तक आएगा, फिर यहाँ से हो सकता है रिकवरी भी करे या फिर सस्टेन करके ब्रेकडाउन भी नीचे के साइड में दे दे, तो देखेंगे अभी तो ये था। और उसके बाद जब कल कैंडल बनी थी, तो कल वाली कैंडल को भी मैं बोला था कि ये 100 डे मूविंग एवरेज जो हम लोगों के नीचे से जा रही है, इसका कल जो ग्रीन कैंडल तो बनी थी ग्रीन, लेकिन इसने जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, और ऊपर से 20 डे में मूविंग एवरेज भी आ गई। मतलब इसको इस तरह से समझिए, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से करके आप लोगों को बताऊं। देखिए इसको हटा देते हैं पीछे थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है ये 20 डे में, देखिए जैसे जैसे मैं लाइन रोक रहा हूँ ये लेवल पे, और यहाँ से आ रहा है 100 डे मूविंग, दोनों एक जगह पे मैच कर रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। जब दोनों मूविंग एवरेज कहीं पे भी अगर नीचे मिल रहे हैं तो सपोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगा, और ऊपर मिल रहे हैं तो रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा काम करेगा। कोई भी कहीं पे भी मूविंग एवरेज, अगर दो मूविंग एवरेज, कोई मूविंग एवरेज हो, यहाँ पे देखिए दो मिला, इसके पहले ही मार्केट ऊपर चला गया था, यहाँ पे दोनों मिला, देखिए उसके बाद नीचे गिरावट है। जहाँ पे भी दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और देखिए एक दूसरे को क्रॉस किया फिर उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके भागे। तो जब भी कोई दो मूविंग एवरेज एक जगह पे जो है क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वो जोन जो है बहुत परफेक्ट जोन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखिए ये वाला सिचुएशन इससे परफेक्ट मैच कर रहा है, जो अभी मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे ये 100 था और ये 20, ब्रेक किया नीचे के साइड में, और देखिए वहाँ से गिरावट है। सेम टू सेम यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ से 100 आ रहा था, यहाँ से 20,
ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया और वहीं से फेंकी। तो जब भी एक दूसरे को जो है कहीं पे मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया था एक दूसरे को, हालांकि ये तो मैं दो ही मूविंग एवरेज लगाया हूँ, कई सारा मूविंग एवरेज लगाएंगे तो और आप लोगों को अच्छे से सब कुछ यहाँ पे दिखेगा कि कैसे कैसे एक ही मूविंग एवरेज ने एक जगह पे जो है ब्रेक किया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोनों मूविंग एवरेज ने एक जगह पे क्रॉस किया एक दूसरे को, प्राइस ऊपर गया था और उसी पे रिटेस्ट किया और वहीं से भाग गया, भागना नहीं तो इसको ब्रेक कर देगा। तो ये जो होता है ना, नीचे अगर बने ये सिचुएशन तो सपोर्ट का काम करेगी, और यही सिचुएशन अगर ऊपर की साइड में बने तो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, जो कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग बनी है, दोनों एक दूसरे को एक जगह पे क्रॉस करेंगे। तो ये एक ऐसे भी था, वैसे भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो बना था रिसेंट का, और कई बार यहाँ पे रिटेस्ट भी किया था। तो ये पहले से ही 2 रुपये 50 पैसे का जोन रेजिस्टेंस जोन है। ब्रेकआउट में कल बोला था कि नहीं कि ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला, तो ठीक है गिरावट आई है, कोई बात नहीं है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग या छोटे टाइम फ्रेम के लिए पहले से ही खरीदारी करके बैठे हैं तो उनके लिए बस वही रहेगा कि आप 2 रुपये 20 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस ले ही लीजिएगा, इंतजार मत करिएगा, ले लीजिएगा। और जो भी छोटा मोटा लॉस, क्योंकि पहला लॉस सबसे छोटा लॉस सबसे बढ़िया लॉस होता है, नहीं तो फिर नीचे जाएगा 1 रुपये 80 पैसे के आसपास तो फिर सोचोगे कि अब तो ज़्यादा गिर गया, फिर नहीं ले, कहीं हो सकता है 180 रुपये के 1 रुपये 80 पैसे के लेवल को ब्रेक कर दे, तो फिर इंतजार करोगे तब सब 1 रुपये 35 पैसे तक चला। तो जितना आप इंतजार करोगे उतना दिक्कत, जितना पहले डिसीजन ले लोगे चाहे राइट या रॉन्ग वो काम कर जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया, फिर से रिकवरी करेगा, फिर से देखेंगे। फिलहाल में मार्केट में भी थोड़ा सा जो है साइडवेज मोमेंटम बन रहा है, मतलब मार्केट भी अभी 0.25% 50 पॉइंट की निफ्टी में और 100 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी तेजी है। लेकिन अन्य मार्केट अगर अन्य आप देखोगे यहाँ पे जाके इंडेक्स, तो उनमें जो है गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर इंडेक्स देखोगे तो आज 0.5%, देखिए स्मॉल कैप मिड कैप, ये स्मॉल कैप 0.5%, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी सेलेक्ट, देख मतलब सारे के सारे लगभग लगभग देखेंगे इंडेक्स निगेटिव ट्रेड करें, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए हमको मिला है। कुछ नहीं करना, जिनका स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड था 2 रुपये 20 पैसे वो फॉलो करेंगे ही करेंगे उसको। और जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं, जिनको मैं बोला हूँ कि 7 रुपये तक का आने वाले समय में हम लोग को टारगेट मिल सकता है, 5 रुपये का भी मिल सकता है, और 1 रुपये 80 पैसे के आसपास इसको हम लोग थोड़ा सा एवरेज करेंगे। पूरा हिस्ट्री में समझाया हूँ, फिर कभी समझा दूंगा। और इसमें 1 रुपये 35 पैसे के नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। तो ये दो जो रहेगा स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग वाले 120 1 रुपये 2 रुपये 20 पैसे के नीचे, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं 1 रुपये 35 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। आगे भी कोई अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से तो मैं बताऊंगा, फिलहाल में कोई भी अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आया है, आएगा तो मैं सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगा। लाइक करिएगा वीडियो, ठीक है ना।